हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए बेल आइकन को भी दबाएं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न आलू टिक्की। ये बहुत टेस्टी होता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हम लिए हैं एक कटोरी फ्रेश कॉर्न, 3 मीडियम साइज के आलू जिसे हम छील कर मैश कर लिए हैं। मसाले में हम लिए हैं स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, 1/3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा नींबू का रस, थोड़ा सा अदरक, 1 हरी मिर्च और 5 चम्मच अरारोट। तो सबसे पहले हम सारे फ्रेश मकई को मिक्सर जार में डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक और 1 हरी मिर्च डालेंगे और इसे हल्का दरदरा होने तक ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसे कुछ सेकेंड ही पीसना है। देखिए, हम इसे दरदरा ग्राइंड कर लिए हैं, अब ये तैयार है। तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। हम सारे मैश किए हुए आलू को भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। हम इसमें स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। अब इसमें हम 2-3 चम्मच अरारोट डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले रहे हैं। आप अरारोट की जगह सूजी का भी यूज कर सकते हैं। हम इसमें 2-3 चम्मच और अरारोट डाल रहे हैं और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, अब ये मिक्सर तैयार है और अब हम इसकी टिक्की बना सकते हैं। हम एक नॉनस्टिक तवा लिए हैं और इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छी तरह से पूरे तवे पर स्प्रेड कर देंगे। अब हम टिक्की को रोस्ट कर लेंगे। तो हम बैटर को यूं टिक्की के शेप में बनाकर तवे पर एक एक करके डालते जाएंगे। तो देखिए, हम किस तरह से थोड़े से लेकर उसे टिक्की के शेप में तैयार करके और उसे हम तवे पर डाल दे रहे हैं। ये बहुत ही इजीली हो जाता है। और देखिए, इसे हम इस तरह से डालते जाएंगे और सारे टिक्की को रोस्ट कर लेंगे। तो हम एक एक करके सारे टिक्की को डाल दे रहे तवे पर और हम इसे कम ऑयल पर ही अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। आप इसमें थोड़ा ज्यादा ऑयल डालकर भी इसे बना सकते हैं, पर मुझे कम ऑयल में आलू की टिक्की बनाना ज्यादा अच्छा लगता है, तो हम इसे बहुत कम ऑयल में बना रहे हैं। तो देखिए, हम एक साथ बहुत सारी टिक्की तवे पर डाल दिए हैं। कुछ मिनट रोस्ट करने के बाद अब हम एक एक करके सारी टिक्की को पलट लेंगे। तो ये नीचे वाला साइड अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है, तो हम इसे पलट कर दूसरे साइड भी अच्छी तरह से कुछ मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए, अब हम इसे दूसरे साइड भी पलट कर अच्छी तरह से रोस्ट कर ले रहे हैं। देखिए, इसे दूसरी साइड भी अच्छी तरह से रोस्ट करने के बाद अब हम इसे एक बार और पलट ले रहे हैं। तो देखिए, हम इसे अच्छी तरह से पलट पलट कर दोनों साइड से टिक्की को रोस्ट कर लिए हैं। अब ये तैयार है। तो अब हम सारे टिक्की को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए, टिक्की हमारी तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी कॉर्न आलू टिक्की है। देखिए, ये कितनी अच्छी दिख रही है, बहुत ही स्वादिष्ट है और इसकी रेसिपी बहुत आसान है। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।